आज मैं आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो जीवन में बहुत फायदे पहुँचाते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में हम लोग जानते हैं और इसके फायदे से भी अनभिज्ञ नहीं है। तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जिनका जिक्र किताबों में होता है और हमारी आम जिंदगी में भी बिना पढ़े लिखे भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। उसमें बहुत सारे हैं जिसमें कुछ मोटा मोटी दो चार चीजों का मैं नाम लेना चाहूंगी, जैसे हर्रे, बहेड़ा और आंवला, ये त्रिफला हो गए, और बहुत सारे मसाले हैं, मेथी है, जीरा है, अजवाइन है, इनके भी फायदे हम जानते हैं। तो ऐसे ही में से एक त्रिकटु भी आता है। त्रिकटु में सौंठ, पीपल और काली मिर्च को ऐड करके त्रिकटु बनाते हैं। सौंठ हमारे देश में महिलाओं को जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद खिलाया जाता है। तो उस लोगों का मानना है, महिलाओं का मानना है कि ये काफी गर्म होता है, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है और पेट के जो घाव हैं, जो परेशानी, जो पीड़ा उन्हें हुई है बच्चे के जन्म के दौरान, इससे उनको राहत मिलेगी। ये पेट के गर्भाशय को सिकुड़ने में मदद करती है और दर्द को भी दूर करती है, और जो मासिक धर्म है उसको भी यह नियमित करती है। तो इससे उनके शरीर में जल्दी जल्दी सुधार होता है और वो फिर स्वस्थ होती हैं और फिर अपने बच्चे को अच्छी तरह से पालती हैं। उनका शरीर स्वस्थ होता है तो वो अपने बच्चे को अच्छा पालन पोषण दे पाती हैं, और वो जो दूध पिलाती हैं उसे बच्चे का भी पालन पोषण सही से होता है। तो यही त्रिकटु में जो सौंठ, पीपल और काली मिर्च है उसमें से एक है पीपल। तो पीपल जो है वो बहुत गुणकारी है, जिसका नाम बहुत तरह से लोग लेते हैं, अलग अलग राज्यों में, देश में, संसार में इसके अलग अलग नाम हैं। संस्कृत में इसे पीपली कहते हैं, हिंदी में पीपर, पीपल, मराठी में पीपल, गुजराती में भी पीपर बोलते हैं, बांग्ला में पीपुल बोलते हैं, तेलुगु में पिपल्लू, टिपल्ली, फारसी में फिलफिल, इंग्लिश में लॉन्ग पीपर, लेटिन में पाइपर, लांगम। इसके गुण क्या हैं इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। यह पाचक अग्नि बढ़ाने वाली है, ऋषि है, पाक होने पर मधुर रसयुक्त हो जाती है, रसायन तनिक उष्ण है, कटु है, रसयुक्त है, कटु रसयुक्त है, स्निग्ध है, वात तथा कफ कफ नाशक है, लघु पाकी और रेचक है। इसका मतलब हो गया कि जो मल आंत में बहुत दिन से जमा हुआ है उससे भी ये आसानी से निकाल देती है, तथा श्वास रोग, खांसी, उदर रोग, ज्वर, कुष्ठ, प्रमेह, गुल्म, बवासीर, प्लीहा, शूल और आमवात नाशक भी है। तो ये छोटा सा वीडियो है दोस्तों, ये बहुत गुणकारी है पीपल। इसके कुछ ही गुणों का वर्णन मैंने किया है, इसके अलावे भी जितने गुण हैं और जितने तरीके से इसका उपयोग है उसको भी मैं फिर आगे बताऊंगी। अगर आपको इसके अन्य गुणों के बारे में जानना है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। ये अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।